वेलकम बैक आरती एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1, कास्ट प्रॉफिट। और अभी हमने कास्ट प्रॉफिट परसेंट और लास्ट प्रॉफिट परसेंट मालूम करना सीख लिया। अभी हम इस पे मज़ीद वर्ड प्रॉब्लम्स हल करेंगे ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है, अ बैग कास्टिंग रुपीज 50 इज सोल्ड फॉर रुपीज 45, फाइंड प्रॉफिट आर लॉस परसेंटेज। आप देखें, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम हल करते हैं तो उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है आपका डेटा, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद आंसर। और मार्क्स इस तरह से डिवाइड होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इन तीनों पार्ट्स में। अगर आप सिर्फ आंसर यहाँ लिखेंगे और रफ कॉपी पे ये बाकी चीज़ें करेंगे तो आपको सिर्फ आंसर की मार्क्स मिलेंगी। तो कीप इन माइंड, सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा इसकी, और इसकी डेटा जो है वो है कास्टिंग प्राइस। सबसे पहले कास्ट प्राइस क्या है इसकी, कास्ट प्राइस है 50, और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 45। अभी फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, पहले हम प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है तो हमें मालूम हो रहा है कि बस वो करते हैं, प्रॉफिट और लॉस हमें मालूम करना है, और फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज मालूम करनी है हमें। ये दो चीज़ें हमें इस वीडियो में मालूम करनी, इस क्वेश्चन में मालूम करनी है। अभी देखें, मार्क्स इसी तरह से डिवाइड होती हैं, डेटा हमारी हो गई, अभी हमें सॉल्यूशन करना है इसका। सॉल्यूशन कैसे हम मालूम करेंगे, सॉल्यूशन कास्ट प्राइस हमें मिली है, सेलिंग प्राइस हमें मिली है, तो हमें लॉस या प्रॉफिट मालूम करना है। अब जैसे कि कास्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें लॉस ही हो रहा है। कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। तो कास्ट प्राइस क्या है, 50 माइनस 45, तो 5 रुपीज़ का लॉस हुआ है, हमें लॉस मालूम हो गया। तो ये क्या है, लॉस इज रुपीज़ 5। अभी हमें मालूम करना है लॉस परसेंटेज, और लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय CP कास्ट प्राइस। तो हम मालूम करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉस कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 50। तो आप यहाँ पर ही इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 5 × 100, 500 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 1 and 10। तो ये हमें मिल गया 10%, 10% इसका है लॉस हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द पर्सन गॉट 5 रुपीज लॉस एंड 10% लॉस प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज। तो ये हो गया आंसर। अभी यहाँ आपको फुल मार्क्स मिलनी चाहिए इस आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सानिया बॉट अ कंप्यूटर फॉर रुपीज 15,000 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 15,900, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अभी डेटा हम लिखेंगे जैसे लिखते हैं, सीपी कास्ट प्राइस जो है 15,000, सेलिंग प्राइस 15,900, मालूम हो रहा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट मालूम करना है हमें पहले, उसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। ये हो गई डेटा, अभी हम सॉल्यूशन करेंगे। सेलिंग प्राइस कितनी है, 15,900 माइनस 15,000, और 900 आपको प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया 900। अभी हम प्रॉफिट परसेंट जैसे मालूम करते हैं, 900
मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइड बाय कास्ट प्राइस विच इज 15,000। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 100 की टेबल 15,000 पे लगाएंगे तो ये वन टाइम, और यहाँ पर 150 टाइम्स तो ये भी दो ज़ीरो इसके ख़त्म हो जाएंगे। अभी 10 की टेबल लगाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। अभी 15 और 90, अभी 15 की टेबल जो है 90 पे जा रही है, कितने वन टाइम टू टाइम 30 सिक्स टाइम्स जा रही है। तो ये आपको मिल गया कि 6% जो हुआ है इसको वो हुआ है प्रॉफिट हुआ है 6% प्रॉफिट। दिस इज़ द आंसर। इसी को भी आप इसी तरह से ही लिख सकते हैं, हमने जल्दी में किया है लेकिन आपको इस तरह से ही लिखना है। ठीक है जनाब, अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम